इसमें सर माहौल जिस तरह का चल रहा है, राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं पैदल मार्च। राहुल गांधी की यात्रा भी इसी उद्देश्य से है, महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, बरसात के अंदर जो तनाव का माहौल है देश के अंदर, हिंसा का माहौल है, वो नहीं होना चाहिए। आपस में सभी प्रदेश पूरी देशवासी, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग और सभी भाषा बोलने वाले लोग, अगर हम लोग सब प्रेम से, भाईचारे से, सद्भावना रहेंगे तो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हमारे अनेकतम एकता वाला मुल्क है। तो ये चिंता लगी रहती है ये माहौल बन क्यों रहा है, और जब तक हम संविधान की मूल भावना को समझ के शासन नहीं करेंगे, जब तक हम संविधान की मूल भावनाओं के आधार पर आम जनता को आह्वान नहीं करेंगे कि कानून का राज रहेगा, संविधान की मूल भावना के अनुसार हम चलेंगे, तो ही हम लोग संविधान ने जो अधिकार दिए हैं, जो कर्तव्य दिए हैं, उनको निभाते जाएंगे, तो मैं समझता हूँ हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर आज अनफॉर्चुनेटली जो सरकार है, उनकी पार्टी की, उनके जो संगठन है साथ में, उन सब के जो विचार है वो नहीं है जो संविधान की मूल भावना के आधार पर है। तो इनको क्या नैतिक अधिकार है शासन करने का? हम शपथ लेते हैं संविधान की, MLA, MP, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, या तो आप शपथ मत लो, और या फिर आप संविधान की मूल भावना जो है शपथ की उसके आधार पर शासन करो। सिर्फ इतना ही कहना मेरा, शपथ लेके हम शपथ क्यों लेते हैं? शपथ लेने के बाद तो हम चाहें या नहीं चाहें, हमारी विचारधारा कुछ भी हो, तब भी शपथ ले ली हमने। शपथ की एक अलग तरह सेंटिटी होती है, उसके आधार पर हम लोग क्यों नहीं शासन करें? झगड़े मिट जाएंगे समाज के अंदर, सब प्रेम से रहेंगे। आज गली गली में तनाव है, कोई माने नहीं माने, जो माइनॉरिटी में है कुछ होता पता नहीं क्या होगा, कल दंगे भड़क गए तो मेरा क्या होगा, मेरे पांच परिवार रहते हैं, तो मेरे मोहल्ले के अंदर तो 10 परिवार रहते हैं, चाहे कोई धर्म के लोग, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई धर्म के हो, ये अच्छी स्थिति नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी से बार बार कहते हैं, आप प्रधानमंत्री देश के हैं, आपकी बात का ज़्यादा असर होगा, हम तो कहते ही रहते हैं, आप वो अपना उद्बोधन दें देशवासियों को, उस दिन आपका कर्तव्य बनता है। आपका कर्तव्य है, हम उनको कर्तव्य याद दिला रहे मोदी जी को, आप प्रधानमंत्री देश के क्यों नहीं आप कहते हो मैं हिंसा बर्दाश्त नहीं करूंगा देश के अंदर, क्यों नहीं कहते आप लोग? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। सर अगला बजट आपने कल कहा यूथ और खिलाड़ी के लिए होगा, किस तरह का बजट होगा? क्योंकि ये मैंने पहले से मैं कह रहा हूँ कि पिछली बार बजट लाए थे किसान का, तो अलग किसानों के लिए अलग लगभग डबल कर दिया था प्रोविजन, धनराशि डबल कर दी थी बजट के अंदर, फिर कई छूट दिए हमने किसानों को, बिजली के बिलों के अंदर भी 1000 रुपये तो उनका हम लोगों ने प्रतिमा दे रहे हैं, तो करीब 8 लाख लोगों के तो बिल ही नहीं आ रहे हैं, 0 बिल आ रहे हैं। फिर जो कंज्यूमर भी है किसान, बाकी कंज्यूमर भी है, 50 यूनिट उन्होंने फ्री कर दी और 300 यूनिट तक अनुदान दे रहे हैं, तो करीब 44 लाख लोगों के बिल नहीं आ रहे हैं, 0 हो गया। तो हम चाहते हैं कि आज इस महंगाई के दौर के अंदर कोरोना की मार बहुत बड़ी पड़ी थी, तो उसके माहौल के अंदर हम क्या उनको सेविंग करवा सकते हैं? सेविंग करने का मतलब कोई वो घर के बचाए रखने की स्थिति में नहीं है, पर और अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए खर्च कर सके, कम से कम 2 जून की रोटी खा सके, छोटे मोटे खर्चे कर सके, आज उसकी स्थिति बहुत ख़राब है। तो मेरी जो थीम है वो है सोशल सिक्योरिटी की। भारत सरकार को हम बार बार कह रहे हैं, मोदी जी को कह रहे हैं कि आप मेरी भावना समझो, आज 21st सेंचुरी में चल रहे हैं, उसमें हम चाहेंगे कि सोशल सिक्योरिटी हर परिवार को मिले, वही परिवार लेगा जिसकी स्थिति खराब है, वरना परिवार लेना उचित भी नहीं समझेगा। तो क्यों नहीं हम लोग, जैसे हमने कई प्रयोग किए हैं, हेल्थ का किया है, लगभग राइट टू हेल्थ हो गया राजस्थान के अंदर, 10 लाख का बीमा किसे कहते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट फ्री 10 लाख के अलावा है, वो ऑक्सीजन का बीमा है साथ में,
स्मार्टफोन दे रहे हैं महिलाओं को, सब कुछ कर रहे हैं हम लोग, तो क्यों नहीं भारत सरकार जो हमारी योजना इंदिरा रसोई है, 8 रुपये में खाना मिल रहा है अच्छी क्वालिटी का, मैं खुद खा के आया हूँ, कितना अच्छा लगता, मैंने बात की जो खाना खा रहे थे उन्होंने, कितना गुस्सा था उनके ऊपर महंगाई को लेकर, आज हमें आने की नौबत क्यों हो रही है, 200 रुपये तो किलो तेल हो गया है, साबुन की बट्टी नहीं मिलती है 20-25 रुपये के अलावा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे वो। तो आज जो स्थिति महंगाई के जमाने के अंदर, महंगाई के अलावा भी आज हमारा मुल्क ऐसी स्थिति में आ गया है जो बड़ी बड़ी स्कीमें जब मोदी जी खुद अनाउंस करना चाहते हैं, आधा ऐसा राज्यों का होता है उसके अंदर, वो नहीं कहेंगे वो लोग। तो हम चाहते हैं कि आप ऐसी स्कीम ला रहे हैं तो क्यों नहीं आप हर परिवार को कंपल्सरी दुनिया के मुल्कों की तरह वीकली पैसा दो उनको, जिससे वो अपना परिवार चला सके, और जिसको जरूरत है उसी को मिलेगा, उसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी। आप जाइए लंदन जाइए, यूके में जाइए, आप अमेरिका में जाइए, सब जगह पर सोशल सिक्योरिटी है। यार भूखे मरे लोग बाग, अमीर गरीब की खाई बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, 1,000-2,000 करोड़ रुपये माफ हो जाते हैं उद्योगपतियों के, और गरीब का कर्जा माफ करने में उनको तकलीफ होती है। हमारे एजेंडा में नहीं, ये लोग कहते हैं लोकसभा के अंदर, बिगड़ जाएंगे किसान अगर हमने इनका माफ कर दिया तो आगे चुकाएंगे नहीं। अरे कितना पैसा होता है, 50,000, 1,00,000, 2,00,000, क्या होता है? ये सोच बदलनी पड़ेगी भारत सरकार को। हम दबाव बनाए रखेंगे, इंदिरा रसोई का हमारा प्रयोग अच्छा रहा, शहरी रोजगार योजना इंदिरा गांधी के नाम से है, नरेगा की तरह 100 दिन के रोजगार, इतना शानदार उसका वेलकम हो रहा है। महिला आरिशा हम घर से बाहर पहले बार निकली है, 30 तरह के काम उसके अंदर हैं, और इतनी खुश हो रही है। अब हमने 3 बच्चे मेरे हैं, एक महिला ने मुझे कहा अब मैं आराम से स्कूल भेज पाऊंगी उसको, या उसको पढ़ा पाऊंगी। कहने का मतलब कि वक्त आ गया है सोशल सिक्योरिटी का, जो हम लोग करना चाहते हैं। हम ऐसी ऐसी स्कीम लेके आए हैं, भारत सरकार को अहम नहीं रखना चाहिए, और प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं सब राज्यों के आपस में सीखना चाहिए एक दूसरे से, खुद कहते हैं हमारी जो वीसी होती तब, तो सीखने की बात है, हम भी सीखेंगे भारत सरकार से और सीख भी रहे हैं, उनको सीखना चाहिए राज्यों से, जिस राज्य में अच्छी स्कीम है उसको उनको अपनाना चाहिए, मेरा मानना है। सर कांग्रेस प्रेसिडेंट, चुनाव की स्थिति स्पष्ट हो गई है राजस्थान में, सब कुछ ऑल इज वेल। पशुधन बीमा शुरू किया है अभी राज्य सरकार ने, पशुधन बीमा शुरू किया है पशुपालकों को, हमारी सारी स्कीमें जो है बहुत ही फैंटेस्टिक है, हम बहुत ही रिलीजियसली सोच विचार करके अन्य राज्यों को एग्जामिन करके उसके बाद लागू करते हैं हम लोग, हम बेहतर क्या कर सकते हैं उस रूप में हम सब स्कीमें लागू कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि चाहे किसानों का बीमा हो, पशु बीमा हो, कुछ भी हो, लंबी रोग आ गया तो विपक्ष कुछ भी कहे, हम तो विपक्ष को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। कोरोना में देखा होगा आपने, इन्हें ओलंपिक, राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण खेलों में देखा होगा, हम विपक्ष को भी आह्वान करते हैं आप साथ आइए, कुछ काम ऐसे होते हैं जहाँ राजनीति की बात की, लड़ाई हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी है, ये तो विचारधारा की लड़ाई है, आप अपनी बात करो हम अपनी बात कहेंगे, हम तो सोचते हैं हम सच्चाई पर हैं, सभी धर्म सभी जाति सभी वर्ग को साथ लेकर चलना चाहते हैं, आप खाली एक वर्ग को भड़का रहे हो आप लोग, ये बहुत आसान काम है, दंगा करवाना बहुत आसान काम होता है, आग लगाना बहुत आसान होता है, आग को बुझाने में टाइम लगता है, दंगे भड़का दीजिए दंगे को शांत करने में टाइम लगता है, वो वाली बात है। हम तो अपने रास्ते पर चल रहे हैं, रास्ता सच्चाई का कांग्रेस का ही है, जिसके लिए राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं, प्यार से मोहब्बत से पूरा देश रहे, शांति सद्भावना रहे, और जो रेस्पॉन्स मिल रहा है उनको, चाहे तमिलनाडु हो चाहे केरला हो, और कल गए हो परसों कर्नाटक के अंदर गए, देखिए आप 2,00,000 लोग किसे कहते हैं, तो आज बीजेपी बेचैन हो गई है, हवाएं उड़ रही लोगों की, इसलिए राहुल गांधी को बदनाम करने में षड्यंत्र करके इन्होंने कोशिश करी, कितना इन्वेस्टमेंट दिया होगा हम सोच नहीं सकते, प्रधानमंत्री बनने के लिए सोशल मीडिया का उपयोग किया, उसी ढंग से राहुल गांधी की यात्रा को भी, राहुल गांधी खुद को भी षड्यंत्र करके इन्होंने उनको डैमेज करने की कोशिश करी, पर सच्चाई सच्चाई होती है, वो इतना दिल का साफ व्यक्तित्व है,
जो देश देशवासियों के लिए क्या स्रोत हो मैं जानता हूँ, मैं उनके साथ रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत शानदार इंसान है वो, और आप इमेज तो किसी बिगाड़ सकते हो, वो जो जनता समझ आती है। इसलिए मेरा मानना है कि उनकी यात्रा बहुत कामयाब हो रही है और पूरा देश देख रहा उसको, और बीजेपी को समझ जाना चाहिए कि एक आपके लिए एक मैसेज है यात्रा के माध्यम से। सड़कों में पब्लिक क्यों आती है? जब आती है जब उनको कुछ अपनी बात कहनी होती है, लोकतंत्र के अंदर घर बैठे बैठे कह नहीं सकते। तो जब आंदोलन होता खड़ा, कोई पार्टी करो, सीपीएम सीपीए भी क्यों नहीं करो, लोग क्यों आएंगे भाई कि हमारी भावना, ये भावना जो ये बोल रहे हैं ये लोकतंत्र है, उसी भावना के आधार पर वो आ रहे हैं। और सरकार को समझ जाना चाहिए, अपनी गलतियों में सुधार करना चाहिए। और जो मैं कह रहा हूँ जो कुछ भी हो रहा देश के अंदर उसको ठीक करना चाहिए, मेरा मानना। सर, कांग्रेस प्रेसिडेंट चुनाव का स्थिति स्पष्ट हो गई है, खड़गे साहब को आपने नामांकन करवा दिया है, अब सब कुछ राजस्थान में ऑल इज वेल है। एक व्यक्ति देखिए, खड़गे साहब बहुत अनुभवी व्यक्तित्व के धनी हैं। खड़गे साहब जो है 11 बार तो वो चुनाव जीते हैं, 9 बार असेंबली का, 2 बार पार्लियामेंट जीते हैं, और लंबा राजनीतिक जीवन उनका, बहुत अनुभवी है संगठन के लिए भी, और विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, और बहुत ही साफ दिल का इंसान है, दलित वर्ग से भी आते हैं। तो 50 साल के बाद में कांग्रेस में कोई दलित कांग्रेस अध्यक्ष बना है, तो सब जगह वेलकम हो रहा है उनका। शशि थरूर जी भी अच्छे आदमी हैं, अच्छे विचार रखते हैं, यूएन में वो थे, यूएन के माध्यम से वो जो कैंपेन किए थे उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल बनने के लिए, उसको मैंने देखा है। पर वो एक अलग क्लास है, एलिट क्लास है, वो अपने फन में मास्टर हो सकते हैं, पर कांग्रेस संगठन को कार्यकर्ता क्या सोचता है, ब्लॉक बूथ डिस्ट्रिक्ट संगठन कैसे मजबूत होगा, संगठन का अनुभव जो है वो है तो खड़गे साहब में, उसको आप शशि थरूर जी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि पूरे देश के जो पीसी डेलीगेट बनते हैं वो सब उसी ढंग के होते हैं जो खड़गे साहब जिस ढंग के हैं। तो स्वाभाविक रूप से आप देखिएगा कि एक तरफा जीत होगी उनकी। राजस्थान में ओलीज वेल सर, राजस्थान में सब एक व्यक्ति एक पोस्ट की बात कही जा रही थी, अब तो आप चुनाव भी नहीं लड़ रहे, स्थिति स्पष्ट हो गई। देखिए, मैं तो मेरा काम करते जा रहा हूँ, मैं तो देखता हूँ कि जो 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 काम होते जाए कदम से करते जाओ। बाकी कोई निर्णय करना है नहीं करना ये सब हाईकमान का काम होता है, हमारा काम नहीं होता है। हमने जाके सोनिया गांधी जी से कह दिया कि भाई 50 साल की तैयारी में पहली बार देखा एक लाइन का प्रस्ताव पार नहीं करवा पाए हम लोग। ये बहुत वास्तव में मुझे आज भी दुख है, क्योंकि ये तो एक हमारी परंपरा रही है कि जब कभी हाईकमान के जो प्रतिनिधि आते हैं वो हाईकमान के ब्याह पे आते हैं तो सबकी ड्यूटी है कि वो एक प्रस्ताव पास करे, विश्वास प्रकट करे कांग्रेस अध्यक्ष पर यहाँ जो परिस्थिति ऐसी बन गई, अब क्यों बन गई उसके ऊपर रिसर्च करने की आवश्यकता है। ऐसी नौबत क्यों आ गई कि मेरी बात भी नहीं मानने लगे लोग। जब हमारे पीसी बैठ ने उनको कहा एमएलए को जाके कि भाई आप चलो एक प्रस्ताव पार करने का तो कायदा होता है, तो गुस्से में बोले हमने तो इस्तीफे दे दिए, हमने ये कर दिया। और उन्होंने कहा दूतासा जी ने कि फिर अशोक गहलोत फॉर्म नहीं भरेगा अध्यक्ष का, नहीं भरे फॉर्म, कोई हमें मतलब नहीं है, हमें तो वो हमारे अभिभाग बन गए थे जैसलमेर के अंदर, अब अभिभाग तो दिल्ली जा रहा है, हमें किसी भर से छोड़ के जा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि जिसने सरकार मेरी बचाई थी 102 लोग थे और मैं कैसे उनको धोखा दे सकता हूँ। इसलिए मैंने माफ़ी मांगना मंजूर किया कांग्रेस प्रेसिडेंट से कि भाई क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट होती है और देश के अंदर सम्मानित व्यक्तित्व के धनी हैं, जिस प्रकार उन्होंने जीवन जिया है और जिस प्रकार कांग्रेस को चलाया है उन्होंने वो बेमिसाल है। तो मुझे तो संकोच हो रहा था कि मैं क्या जाके उनको कहूँगा, पर मैंने मेरे दिल की बात कही उनको कि भाई तो बहुत भारी, मैं खुद 50 साल से देखा, आज तक मेरा हुआ ही नहीं है, पहली बार हुआ ये, और वो मेरे रहते हुआ है, मैं हूँ सीएलबी लीडर, तो मेरी ड्यूटी थी कि मैं सॉरी फील करूँ।
सर आप उस समय जब सरकार संकट में थी तो ईडी इनकम टैक्स भी आए थे, बीजेपी का प्रोटेक्शन भी कुछ कांग्रेस विधायकों को मिला था, अब वही फिर कांग्रेस की कमान में आगे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं, 102 विधायकों का क्या मन है? बीजेपी तो हर वक्त यही कोशिश करेगी कैसे सरकार को डिस्टर्ब करें, अनस्टेबल करें, कैसे सरकार बस चले गिरा दें, जो गिरा नहीं पाए थे उस वक्त भी, वो बीजेपी पूरी मिली हुई थी उस वक्त भी लोगों से, अमित शाह के यहाँ मीटिंग हुई थी, सब जानते हैं, विधायक गए थे, कुछ विधायक गए थे, बातचीत भी हुई थी अमित शाह जी, धर्मेंद्र प्रधान जी, जफर इस्लाम जी, सब बैठे खूब बातचीत कर रहे थे, वो अमित शाह जी खूब मिठाई खिला रहे थे हमारे विधायकों को, हंस हंस करके, थोड़ा इंतजार, आखिर में सच्चाई की विजय हुई और सरकार बैठ गई। सर ये इस्तीफे की अफवाह, और हम कैसे भूल सकते हैं 102 को मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैं कहाँ रहा हूँ निर्णय अलग बात है, पर जिससे मैंने वादा किया मैं आपका अभिभावक हूँ, उनको मैं कैसे भूल सकता हूँ, बताइए आप। आज मेरे खिलाफ उन मेरे कुछ मान लीजिए दो चार लोग कमेंट भी करते हैं, तब भी मैं उनका एहसान कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने तो मेरे लिए सजा बचाई थी, बाद में कई पहले बदल जाती है, कई गलत समय हो जाती है, परंतु सरकार बचाने में तो उस तक 10 करोड़ रुपए मिल रहे थे, बाहर जाने वाले होटल से बाहर जाने वाले को 10 करोड़ की ऑफर थी, और जब गवर्नर साहब ने डेट फिक्स कर दी मीटिंग की, असेंबली बुलाने की, तब तो 10, 20, 30, 40, 50 कुछ भी ले लीजिए, जो इस प्रकार के खेल खेल रहे देश के अंदर, हॉर्स ट्रेडिंग के खेल खेल रहे हैं, लोकतंत्र की हत्यारे लोग हैं ये, हो जहाँ अरुणाचल प्रदेश शुरू इन्होंने किया, सरकार बदल दी, पूरी सरकार बदल दी, मणिपुर गोवा तो छोड़ दो, कर्नाटक की सरकार बदल दी, मध्य प्रदेश की सरकार बदल दी, हॉर्स ट्रेडिंग करके वहीं 20, 25, 30, 40 करोड़ पता नहीं कितने दिए गए, और महाराष्ट्र की बदल दी, राजस्थान की बस नहीं चली है, क्योंकि पूरे प्रदेशवासियों का जो माहौल बना यहाँ पर, हमारे विधायकों के पास फोन आते थे आम जनता के भी कार्यकर्ताओं के साथ, चाहे आपको 3 महीने रहने पड़े होटल के अंदर, रहो पर मजबूत रहो, ये मैसेज था MLA को। मुझे तो इस जिंदगी का अगर मैं देखूं कि जिंदगी में मैं मेरे जिंदगी का देखूं कि इतना बड़ा मेरे मुख्यमंत्री काल में इतना बड़ा क्राइसिस आया और प्रदेशवासियों के आशीर्वाद से, सहयोग से, समर्थन से हमने उनको विफल कर दिया और हम लोग कामयाब हो गए। उन प्रदेशवासियों को मैं हमेशा सलाम करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ इनसे दूर मैं कैसे हो सकता हूँ, मेरे लिए पद कुछ नहीं है, मेरे लिए प्रदेशवासियों ने जो उस वक्त मेरा साथ दिया, कोरोना में साथ दिया, हर जगह साथ दे रहे, अभी राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक में देखिए, बगैर प्रदेशवासियों के सहयोग से संभव नहीं था, 30 लाख खिलाड़ी, 10 लाख महिलाएं, सभी उम्र के लोग, और साथ में 2.25 लाख टीमें बनी हैं और सक्सेसफुल काम चल रहा है, तो मैं तो बहुत खुश हूँ। सर पार्टी की भी आपके साथ, CM के साथ साथ पार्टी की भी उस वक्त सभी विधायकों ने जो है लाज बचाई थी, क्योंकि कई राज्यों में जो है कांग्रेस की सरकार गिर चुकी थी, तो क्या ये जो 102 विधायक जिन्होंने पार्टी की लाज बचाई, आज पार्टी कहीं ना कहीं उन विधायकों की मंशा का ख्याल नहीं रख रही है, तो इनकी भावना आहत नहीं होगी इन चीज़ों से? देखिए कई बार फैसले ऐसे हो जाते हैं, कई बार कई कारण हो जाते हैं, मान लीजिए तो मैं उस पर नहीं जा सकता, क्योंकि मुझे नहीं मालूम किस स्थिति के अंदर ये फैसला हुआ, पर मैं किसी को दोष नहीं देता, क्योंकि वो तो देखिए जो ऑब्जर्वर्स आएंगे जब एक बार फैसला हुआ तो ऑब्जर्वर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है, ऑब्जर्वर ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस प्रेजिडेंट आते हैं, तो ऑब्जर्वर को हम लोग उसी ढंग से व्यवहार करते हैं, और ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आए हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनालिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके, जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे। अब ये केस हमारा एक अलग तरह केस हो गया राजस्थान के अंदर, ये केस हिस्ट्री में देखा जाएगा ये क्यों हुआ। और हमेशा जब मुख्यमंत्री जाने लगता है कि भाई अभी मुख्यमंत्री चेंज हो रहे हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे,
उस वक्त में 80-90% विधायक छोड़ देते हैं मुख्यमंत्री, क्योंकि नया आ रहा उसको पकड़ो, हमें मंत्री बनना है, हमें काम पड़ेंगे उनसे, ये कायदा होता है और मैं इसको बुरा नहीं मानता। ये क्या केस हुआ भाई कि जब मालूम था भाई कि मैं अगर अध्यक्ष बन जाऊंगा, नया मुख्यमंत्री कोई आएगा, तो क्या कारण था कि नया मुख्यमंत्री आने के नाम से 102 खड़े हुए, 102 मतलब वो जो लोग थे वो इस कदर मतलब भड़क गए जो आज तक कभी हुआ ही नहीं आज तक। इतना क्या उनको भय था, क्या उनको फीलिंग थी मन के अंदर, और कैसे उनको मालूम पड़ा, सबसे बड़ी बात तो ये है, कैसे वो अंदाज कर लिया, मैं नहीं कर पाया वो कर पाए, क्योंकि मैं तो बाहर था, दौरे में था, कभी मैं कोचिंग गया था, कभी मैं जैसे भी चला गया था। तो आप बताइए कि क्या नौबत आई है। तो मैं समझता हूँ सभी पक्षों को, हमारे सब नेताओं को सोचना चाहिए कि सच्चाई किस प्रकार ये हुई है, क्यों आक्रोश पैदा हुआ है विधायकों में, और उसको अपने आप को हम लोगों को चाहिए, हम सब कोई भी है, भले मैं हूँ या कोई भी है, अगर हमें कुछ कमियाँ हैं तो प्रयास करना चाहिए उसे दूर करने की, हमको खुद को प्रयास करना चाहिए। मैं तो करता रहता हूँ मेरा प्रयास, मैं तो हर वक्त चीज़ें सीखता हूँ तभी मेरा काम चलता है, तो इसलिए कोई परसेंट कोई नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि राजस्थान में चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, राजस्थान जीतेंगे तो आगे चुनाव जीतने की संभावना कांग्रेस बढ़ेगी, रिवाइव होगी कांग्रेस, जिसकी आज देश को जरूरत है, देशवासी चाहते हैं कांग्रेस मजबूत होकर ऊपर के आए देश में, एक कम से कम प्रतिपक्ष जो है तानाशाही प्रवृत्ति खत्म हो, एक प्रतिपक्ष मजबूत बने, ये आम लोगों की धारणा है। जो कांग्रेस नहीं है वो भी चाहते हैं कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए, ऐसी स्थिति में देश चल रहा है। हमारी मोहन जिम्मेवारी है कि हम कैसे राजस्थान जनता का दिल जीते हैं और इस बार सरकार रिपीट करवाएं, उसके लिए हम कुछ भी करने के तैयार है, ये हमारी भावना है, तभी कांग्रेस वापस मजबूत बनेगी। और ये बात मैं मैडम को भी, अजय माकन जी को मैं अगस्त में कह दी थी कि मैं मुख्यमंत्री रहूं या नहीं रहूं कोई जरूरी नहीं, मैं विड्रॉ कर सकता हूं, आप सजे करना सब लोग, और लगे भाई इस प्रकार हम सरकार बना सकते हैं, मैं पूरा सहयोग करूंगा, मैं पूरा कैंपेन करूंगा, मैं खुद अगस्त में कह चुका हूं, ये बात मैंने डिस्क्लोज की अभी तनोट के अंदर, जैसलमेर के अंदर, कि मैं मुख्यमंत्री रहूं और सरकार नहीं बने क्या मतलब हुआ। मैं चाहता हूं कि सरकार बने हमारी, वो हमारे सबका ध्येय होना चाहिए कि हम सरकार सब मिलकर बनाए अभी, और अभी वही सच्चा कांग्रेस माना जाएगा। ये आज संकट की घड़ी है कांग्रेस के सामने भी, आज़ादी के बाद में ऐसा वक्त पहली बार कांग्रेस सामने आया है जो लगभग 8 साल तो हो गए हैं। तो हम चाहेंगे कि देश को बचाने के लिए देश एक रहे, अखंड रहे, जिसके लिए इंदिरा गांधी जी ने, राजीव गांधी जी ने जान दे दी अपनी, सरदार बैंसी जी शहीद हो गए, कितने हजार लोग मारे गए निर्दोष लोग आतंकवादियों के हाथों। मैंने सब उस वक्त मैं देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ, मैं 40 साल मुझे पार्लियामेंट में गए हुए हो गए, तब से मैं देख रहा हूँ हम सबका कर्तव्य किस प्रकार से हम इस देश को एक रखें, अखंड रखें, जिसके लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारे नेताओं ने आज़ादी की पहले भी आज़ादी की बात। मुझे अफसोस होता है मोदी जी पर कि मोदी जी अब देश और दुनिया के अंदर तो जो दौरे कर रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं यहाँ पर आज़ादी का, अरे अमृत महोत्सव मनाने के लिए नौबत क्यों आई, क्योंकि कांग्रेस ने मुल्क को आज़ाद करवाया। पंडित नेहरू 10-12 साल से जेल में बंद रहे, मोतीलाल नेहरू ने सब कुछ स्वराज भवन दे दिया, आनंद भवन दे दिया देश को, सब प्रॉपर्टी दान कर दी, दान क्या कर दी, देश को समर्पित कर दी। आप पंडित नेहरू को अलग हटा करके क्या अमृत महोत्सव मना सकते हो, इवेंट कर सकते हो, क्योंकि खूब सरकारी धन का भी और बीजेपी खुद के पास कोई कमी नहीं है, इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है वो देश को बर्बाद कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट को वक्त नहीं मिल रहा है, बहुत व्यस्त है वो, इसलिए वो इतने इम्पोर्टेंट इश्यू को भी फैसले नहीं कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड 95% मोर देन 95% पैसा जा रहा है उनके पास में, देश देख रहा है, सब बेबस है, पूरा मुल्क बेबस है, जो हरकतें हो रही है देश के अंदर, जुडिशी दबाव में, CBI, इनकम टैक्स, ED दबाव के अंदर, धज्जियां उड़ी लोकतंत्र की, पत्रकार साहित्यकार लेखक जेल में जा रहे हैं, 2-2 साल पड़े रहते हैं। अभी वो केरला का एक पत्रकार था, अभी मेरे ख्याल निकला अभी महीने भर पहले, 2 साल रहे करीब जेल के अंदर, किसे कहते जेल में रहना,
ये देश में हो रहा है और सब बेबस है। मैं देखता हूँ प्लेटफॉर्म कई सत्य हिंदी और कई है, अच्छे अच्छे डिस्कशन होते हैं, हमारे खिलाफ में भी होते हैं, पर आपके आर भी इंटेलेक्चुअल है, आपके लेखक के पत्रकार है, वो अपनी भागीदार निभाते हैं उसके अंदर, खुद ये बोलते हैं वो लोग। मुझे अच्छा लगता है कई प्लेटफॉर्म है देश के अंदर बन गए हैं, यूट्यूब का एक सबको लाभ मिल रहा है, यूट्यूबर्स है उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि वो गांव-गांव में यूट्यूब चलाते हैं, कोई अच्छी क्वालिटी के चलाते अच्छी बात, सत्यों के आधार पर चलाएंगे तो ज़्यादा ठीक है, अगर गलत फहमी पैदा करेंगे तो ठीक नहीं है, पर काम सब कर रहे हैं। और मैं हमेशा देखता हूँ मीडिया की बड़ी भूमिका होती है, चौथा स्तंभ ऐसे ही नहीं कहते हैं, हम पॉलिटिशियन हैं, आप लोग भी तो राजी नहीं करते हो, तो मैं समझता हूँ कि हालात देश के अंदर आज महात्मा गांधी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, हमें मन के अंदर संकल्प लेना चाहिए हमें क्या करना आने वाला है। अजय माकंदे पर भी आरोप लगे सर, और एक वीडियो भी वायरल हो रहा है उनका। अजय माकंदे सर नमस्कार।